दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने रोहिणी सेक्टर 28 के पास मुठभेड़ के बाद 1 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश की पहचान होलंबी कला निवासी गौरव त्यागी उर्फ प्रवीण के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल एक पिस्टल, 2 कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ 307, 186 और 353 समेत आर्म एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी ने पूछताछ के दौरान टिल्लू के खिलाफ कई अहम खुलासे किए हैं। स्पेशल सेल के डीसीपी राजीव रंजन के मुताबिक पकड़ा गया बदमाश गौरव त्यागी उर्फ प्रवीण टिल्लू ताजपुरिया और परवेज मान गैंग का शूटर है। नॉर्दर्न रेंज स्पेशल सेल की टीम दिल्ली में सक्रिय बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर काम कर रही थी। टीम को गौरव त्यागी के खेड़ा गांव के पास आने की सूचना मिली, जिसके बाद डीसीपी राजीव रंजन के निर्देश पर इंस्पेक्टर पूरन पंत, इंस्पेक्टर रवि तुषार, एसआई संदीप दहिया, हेड कांस्टेबल भूपेंद्र, सुनील, संदीप माथुर की टीम ने जाल बिछाया और बदमाशों को बाइक पर आता देख रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर 3-4 राउंड फायरिंग कर दी। एक गोली टीम के पुलिसकर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी लगी, जिसके कारण बाल बाल बच गए। बदमाश को काबू करने के लिए पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली बदमाश के पैर में लगी, जिसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।